तो बेटा लूज आज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं अपन। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? इट इज अ वन ऑफ द एनिमल टिश्यूज और कनेक्शन। इसका मेन देखो नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि कहीं ना कहीं इस चीज को कनेक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी। 35% और 40% के लगभग जो बॉडी में पार्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मेन टिश्यूज है जैसे कि एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। सेकेंड है आपका अपने जो पढ़ा था एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, और थर्ड पढ़ने वाले इसके अंदर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो एरियोलर और एडिपोज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, तो आज जो हम आपको तीन चीजें पढ़ाई थी। कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। होता है पहला मैट्रिक्स पार्ट, कौन सा पार्ट? मैट्रिक्स। सेकेंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स, और थर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड, यस स्पेशलाइज्ड सेल्स। क्या प्रेजेंट होती है? स्पेशलाइज्ड सेल्स। मैट्रिक्स का मतलब वही लिक्विड पार्ट जो इसमें प्रेजेंट रहेगा, और फाइबर्स, फाइबर्स जो है रेटिकुलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं वो है रेटिकुलर फाइबर्स। कौन से फाइबर्स होते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स। और इन रेटिकुलर फाइबर्स को बनाता कौन है? इन रेटिकुलर फाइबर्स को बनाते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, और इन सेल्स के अंदर आते हैं आपकी रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर सेल्स। तो ये रेटिकुलर सेल्स के दो फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है फाइबर फॉर्मेशन करना, फाइबर फॉर्मेशन, एंड सेकेंड जो इसका फंक्शन होता है वो है आपका मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस यहाँ पर होती है। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों? मैक्रोफेजेस का मतलब होता है फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या होता है? फैगोसाइट करना। ये किसी भी चीज को जो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर होता है उसको क्या कर देती है? फैगोसाइट कर देती है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट सेल्स, lymphocyte and somewhere adipose is also present in reticular connective tissues। ठीक है। अभी reticular connective tissues जो है, reticular connective tissues जो है ये नहीं है, doubt रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का आपको डायग्राम कैसा दिख गया? सबसे पहले जो पर देखो आप रेटिकुलर सेल्स, ये जो रेटिकुलर सेल्स ये कैसे नजर आती है? ये आपको नजर आएगी स्टार शेप। कैसे नजर आएगा? इसका शेप स्टार शेप नजर आएगा कुछ इस तरीके से। इसका शेप होता है स्टार शेप। ठीक है। और इसमें प्रेजेंट बाहर की तरफ मैट्रिक्स प्रेजेंट है, अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ये कुछ इस तरीके की सेल्स आपको नजर आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलर सेल्स। मैक्रोफेजेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? मैक्रोफेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा आपका इरेगुलर शेप। कैसा रहेगा? इरेगुलर। मैक्रोफेजेस कुछ इस तरीके से नजर आएगी, क्लियर। और इसके बाद लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस ऐसा नजर आएगा आपको। लिम्फोसाइट्स ये होगी मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ये है आपकी लिम्फोसाइट। और एडिपोज, एडिपोज टिश्यू कैसे नजर आएगी? सिग्नेट रिंग की तरफ। एडिपोज कैसे नजर आती है? सिग्नेट रिंग्स। तो इसमें न्यूक्लियस जो रहेगा वो आपका किधर रहेगा? बाहर की तरफ, और साइटोप्लाज्म रहेगा पेरिफेरल पर, और सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहेगी क्या? फैट। सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? स्टोरेज ऑफ फैट। यहाँ पर फैट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चों? फैट, स्टोरेज ऑफ फैट। यहाँ पर फैट का स्टोरेज रहेगा।
दिस इज द फैट और ये कौन सी सेल्स है? एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज सेल्स। ठीक है, सर आ गया यहाँ पर। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू जो होता है इसकी लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए कि ये पूरा कंबाइंड टिश्यू कैसा नजर आता है, तो इस टिश्यू के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब इस टिश्यू में आपको मैट्रिक्स भी मिलेगा, इस टिश्यू के अंदर आपको रेटिकुलर फाइबर्स मिलेंगे, इस टिश्यू के अंदर आपको ये सारी सेल्स यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू का डायग्राम बनाते हैं यहां पर। तो रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स जो आपको स्टार शेप में नजर आएगी, कौन सी सेल्स है ये? यस, रेटिकुलर सेल्स। कौन सी सेल्स है ये? रेटिकुलर सेल्स। और रेटिकुलर सेल्स के दो फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, ये सारा मैट्रिक्स पार्ट है जो नेटवर्क की फॉर्म में फैला हुआ है। ये रेटिकुलर फाइबर्स है, कौन से फाइबर्स है बेटा? ये रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। अब इसमें कहीं कहीं पर आपको नजर आएगी मैक्रोफेजेस, क्या नजर आएगी? मैक्रोफेजेस नजर आएगी, लिम्फोसाइट सेल्स, और कहीं पर प्रेजेंट होगी एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज सॉरी सेल्स, एडिपोज सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और बाकी जितना भी पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? मैट्रिक्स। पूरे पार्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यस, रेटिकुलर, रेटिकुलर कनेक्टिव। अभी उसमें क्या क्या है वो लिख देते हैं अपन। ये है यहाँ पर लिम्फोसाइट। फंक्शन क्या होता है लिम्फोसाइट का? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना। क्या फंक्शन होता है इसका? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। ये क्या है? रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। किसका बना होता है? रेटिकुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। बाकी इसमें प्रेजेंट है मैट्रिक्स पार्ट, मैट्रिक्स ये यहां पर प्रेजेंट होती है, रेटिकुलर सेल्स ये यहां प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन होता है? मैक्रोफेजेस, बार बार मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू में मैक्रोफेजेस आपको मिलेंगे, और मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है इनगल्फ करना, फैगोसाइट। क्या करना? फैगोसाइट, फैगोसाइट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब इसकी लोकेशन कहां है बॉडी में, कहां कहां प्रेजेंट होता है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन लीवर, स्प्लीन, इसके अलावा लिम्फ नोड, थाइमस, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहां होते हैं? टंग के पीछे वाले एरिया में, है ना? टॉन्सिल्स, तो मतलब जहां पर भी प्रेजेंट है वहां पर इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव टिश्यू है एक तरीके से बॉडी का। क्या है? यस। इसके अलावा ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, गट वॉल में प्रेजेंट होता है, तो ये सारी इसकी लोकेशन है। क्लियर? चलो अब इसकी लोकेशन में बता देता हूं एक बार फिर से, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा इसके फंक्शंस। रेटिकुलर्स लोकेशन प्रेजेंट इन लीवर, स्प्लीन, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। इन सभी जगह पर आपको जो इनकी वॉल होगी, इंटरनल वॉल, वो जहां पे पैकेजिंग होती है, स्ट्रोमा पार्ट जब उसको बोलते हैं, स्ट्रोमा पार्ट का फॉर्मेशन करता है ये पार्ट।
स्ट्रोमा का मतलब होता है जैसे दो लेयर्स जहाँ पर मिल रही है आपस में, क्योंकि ऑर्गन्स अगर कोई बन रहा है तो ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होंगे और उन टिश्यूज के बीच में जो कनेक्शन होगा वो उसको हम स्ट्रोमा बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वो स्ट्रोमा का ये फॉर्मेशन करता है कौन? रेटिकुलम। ठीक है, अब रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। सबसे पहले तो ये एक कोई ऑर्गन की पैकेजिंग कर रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट फ्रेमवर्क करता है, ये स्ट्रोमा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये स्मूथ मसल को बाइंड करने में हेल्प करता है। इसमें रेटिकुलम जो सेल्स होती है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होती है। तो क्या क्या फंक्शंस हो गए इसके? फंक्शंस पैकेजिंग ऑफ स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं बच्चों विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का मतलब जो हमारे डीपली ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती है वो अगर आप ऐसे देखोगे तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। अब इन लेयर्स का जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से है? कौन कर रहा है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, नाउ सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग तो हो गया, पैकेजिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द सेल्स है वो फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक का मतलब बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाली। कौन सी है? बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाली। कौन कौन सी सेल्स है इसमें? एक तो है रेटिकुलर सेल्स। रेटिकुलर सेल जो होती है ये खुद भी फैगोसाइटिक होती है ना। दूसरी सेल्स इसके अंदर है मैक्रोफेजेस, जिसको हम बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं? WBC। तो ये भी यहाँ पर क्या है? फैगोसाइटिक का काम करते हैं। तो ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। ये इस टिश्यू समझ में आ गया सबको? तो क्या क्या पढ़ा हमने इस टिश्यू के अंदर? द कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज और रेटिकुलर। ये तीन टाइप्स के जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं मोस्टली। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका मेन फंक्शन जो है वो फ्रेमवर्क है और डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले जब भी आपको ये लिखना होगा तो उसमें लिखेंगे आप मैट्रिक्स, सेकेंड आप इसके अंदर लिखोगे फाइबर्स और थर्ड आप इसके अंदर लिखोगे स्पेशलाइज्ड सेल्स। क्लियर है?